नमस्कार, स्वागत है आपका NBC न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। राजस्थान में बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच की जाएगी, भजनलाल सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जुहू बीच पर मेगा बीच क्लीनिंग अभियान के दौरान ट्रैक्टर चलाया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ता, वॉलंटियर और समर्थक हर बूथ पर कमल खिलाने का संकल्प ले चुके हैं। श्रीलंका के महत्वपूर्ण राष्ट्रपति चुनाव के लिए शनिवार को मतदान शुरू हो गया है। ये 2022 में सबसे खराब आर्थिक मंदी के बाद से द्वीप राष्ट्र का पहला बड़ा चुनावी अभ्यास है। एम्स के मेडिकल छात्रों ने एम्स प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आज आतिशी मुख्यमंत्री पद की और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर रहेंगे। वह सबसे पहले 21 सितंबर को क्वाड सम्मेलन में भाग लेंगे। गडकरी ने कहा कि लेखकों, विचारकों और कवियों को खुलकर और निडर होकर अपनी बात रखनी चाहिए और उनसे यह अपेक्षा भी की जाती है। पुणे के सिटी पोस्ट ऑफिस परिसर में अचानक एक ट्रक जमीन में समा गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वारिस पठान ने कहा कि इन लोगों को पता है कि उन्होंने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। वारिस पठान ने नीतीश राणे से कहा है कि मस्जिद दो टांगों पर आएंगे लेकिन जाएंगे स्ट्रेचर पर। मुंबई की महबूब ए सुबानिया मस्जिद को तोड़ने के लिए नगर निगम की तरफ से नोटिस भेजा गया है। इसको लेकर कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने CM एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। मुंबई यूनिवर्सिटी में 22 सितंबर को 10 सीटों पर होने वाले सीनेट चुनाव एक बार फिर स्थगित कर दिए गए हैं। BJP के ये सभी नेता महाराष्ट्र में रीजन वाइज विधानसभा स्तर पर सीट बाय सीट छोटी छोटी चीजों पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पूर्व राज्य मंत्री खतगांवकर बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इनके आने से मराठवाड़ा में कांग्रेस को मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के नागपुर में गणेश मूर्ति विसर्जन के समय आयोजित पटाखा शो के दौरान लगी भीषण आग में 7 महिलाएं झुलस गई। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति में कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके बेटे का कल्याण करो, उसे टिकट दो, कुछ भी हो लेकिन मेरी पत्नी और बेटे को टिकट दे दो। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की करीब 60% सीट बंटवारे पर चर्चा पूरी हो चुकी है। चेन्नई टेस्ट मैच की पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 149 रन ही बना सकी। साल 2024 की फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड इंडियन एक्टर की लिस्ट में इस बार साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय ने शाहरुख खान को पछाड़ दिया है। बॉलीवुड एक्टर प्रवीण दबा से जुड़ी शॉकिंग खबर सामने आ रही है। दरअसल आज सुबह एक्टर कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।